हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और यहाँ पर हमारी मम्मी बैठी है, 2 दिन से दवा खा रही, तो आज इनकी तबीयत बेटर है ना? हाँ वो तो सही है। सही है। हाँ, तो दवा लेके आई है डॉक्टर के पास से, तो अभी तो आराम है, लेकिन दवा इनको खानी पड़ेगी, क्योंकि पहले मम्मी सोच रही थी कि इनको। सर्दी लगी है। सर्दी नहीं हो तो म्यादी निकला है। जांच करवाई थी ना तो हाँ, म्यादी निकला कि म्यादी। अब म्यादी का तो कोर्स करना पड़ेगा आपको ना? और क्या, 5 ही दिन की दिए दवाई, फिर 5 ही दिन बाद और जाएंगे। हाँ, तो 5 दिन की दवा खा के देखो, फिर आप फिर से जाना, ठीक है? हाँ फिर जाएंगे हम। वैसे दवा से आराम तो लगा अब ना? बहुत आराम है। नहीं बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। हाँ, तो आज मम्मा सुबह से अपना काम भी कर रही है और दवा लिए, तबीयत भी इनकी काफी ठीक है। चाय बनाने, क्योंकि बाहर अंकल जी आए, उनको चाय बना के देनी है। और चाय ले लो। मैंने तुम ले लेती। तो ले ली थी ना, पी लो, कोई नहीं, आपको तो फायदा करेगी। और यहाँ पर मैं गेहूं की बोरी को ले जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे जगह ऐसी नहीं है ना, इस वजह से ऊपर लेके जा रही हूँ, वहीं पर साफ हो जाएंगे। मम्मी को इनको साफ करना है आटे के लिए, तो मैंने कहा था लाओ मैं बैठे बैठे कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा के पहले साफ कर लेती हूँ, फिर यहीं पर गेहूँ। और कल की वीडियो में ना मेरे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि सब मुझे बोल रहे थे कि पढ़ाई छोड़ दो, तुम काम ही करो, इतने से काम है क्या कोई, इतने से काम के साथ अपनी पढ़ाई हैंडल नहीं कर पाता, ये तो नॉर्मली काम है, और फिर मैं तो डेली तो करती नहीं हूँ, पढ़ाई के साथ ये सारा काम तो बहुत छोटे। हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं पानी भरकर आया हूँ, और नंदू हमारी छत पर है, देखते हैं सुबह से छत पर क्या कर रही है। तो ये देखो जी, नंदनी गेहूँ साफ कर रही है, गेहूं साफ कर रही है, सुबह से बैठी है। गेहूं में क्या है कि बहुत कंकड़ और बहुत मिट्टी है ना, तो टाइम लग रहा है, और मम्मी ने ऐसा काम पकड़ा दिया मुझे कि पूरा दिन निकल जाए ना इसमें, पूरा दिन निकल जाएगा बहुत। और हमारी मम्मी जी नीचे हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। घी निकाल रही है मम्मी ऊपर। और मम्मी नीचे बना रही थी खाना, जो अंकल जी आए थे ना, पापा उनके लिए बोल रहे थे खाना बना दो, तो मम्मी नीचे खाना बना रही थी और मैं ऊपर अकेले गेहूं साफ कर रही थी ना, मुझे बैठे बैठे बहुत बोरिंग लग रहा था, मैं नीचे आ गई, मैंने कहा मम्मी आप ऊपर जाओ, आप बैठे बैठे का काम कर लो और खाना मैं बना के ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझसे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था, एक तो अकेले गेहूँ साफ और करने है। मैं पहली बार जा रही हूँ चूल्हे पे पूड़ी बनाना, गैस में तो कई बार बनाई है लेकिन चूल्हे पे पहली बार बना रही हूँ, और जब से गाँव आई हुई है तब से चूल्हे में काफी बैठना सीख गई, नहीं तो पहले ना मैं धुएं की वजह से बैठ ही नहीं पाती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आने लगा। पूड़ी बना के देख रही हूँ, एक तो ट्राई करूंगी, चूल्हे में ऐसा होता है गैस तो अपने हाथ की होती है, उसे चलो कर लो और तेज कर लो, ये तो अटेंडम तेज होता है, अटेंडम स्लो हो जाता है, तो इसलिए देख रही हूँ, एक तो ट्राई करूंगी, बन जाएंगी तो सारी बनाने की कोशिश करूंगी, नहीं बनेगी तो मम्मा तो हमारी है ना जिंदाबाद नहीं बनेगी तो फिर मेरा भाई बनाएगा पूड़ी है। हाँ क्या बोलते, देख कतई जहर, नहीं है ये क्या था, ये रिफाइंड था, रिफाइंड में घी मिक्स है ना इसलिए गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि आलू मटर की सब्जी पूड़ी बना लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर मैं यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ, और चूल्हे में सच में पूड़ी बनाने में बहुत डर लग रहा था कि कहीं जल ना जाऊँ, कहीं कुछ छोल ना जाए, और डरते डरते ना मेरे हाथ में कढ़ाई यहाँ पर छू भी गई थी, क्योंकि गैस में ऐसे आग नहीं निकलती है ना, कढ़ाई जहाँ पर रखी है फ्रंट में। यहाँ पर मेरा खाना हो गया तैयार, मम्मी सब्जी बना के गई थी, पूड़ी बस मैंने बनाई है,
और मैं जा रही हूँ परस देती हूँ खाना, तो अंकल जी भी खा लेंगे और साथ में पापा भी खा लेंगे, क्योंकि फिर वो आफ्टरनून आते हैं ना खेत से, इसलिए पहले से खा के चले जाएंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी चाची के घर। मम्मी कई बार बोल चुकी थी, मैं जब से आई हूँ उनके घर नहीं गई हूँ, और वो ना यहाँ पहले रहती थी, अब वहाँ चली गई हैं जहाँ उनका खेत है, खेत में ही घर बना हुआ है तो वो वहाँ रहती हैं थोड़ा सा दूर। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली चाची के घर, और ये मेरी छोटी चाची है जो घूमने जा रही थी वहीं पर, इनके साथ मैं जा रही हूँ, ये खेत पे जा रही थी ना। हाँ, तो मैं जा रही हूँ बड़ी चाची के घर, और मुझे यहाँ एक गाँव ना, मुझे 2 से 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, 2 हफ्ते तो नहीं हुए, खैर अभी दूसरा हफ्ता होने जा रहा है। लेकिन क्या कि मौसी के यहाँ चली जाती थी शिवानी मौसी के घर, या यहाँ भाभी के यहाँ चली गई, कहीं चली गई, तो इनके यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिल पाया। बहुत टाइम से सोच रही थी कि चाची के पास जाना है, थोड़ा सा दूर है उस वजह से, और टाइम तो ठीक है, फिर किसी का साथ नहीं मिल पाता था, अगर कोई अकेले आने में थोड़ा सा आर्ट लगता है, कोई साथ में चलता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने बोला किसी से भी, विवेक से बोला, वो भी मना कर देता है, हाँ चलेंगे बाद में कर देते हैं सब। इस चक्कर में फिर आज चाची आ रही थी तो मैं चाची के साथ आई हूँ। और हम आ चुके हैं चाची के घर, और लेकिन चाची को आवाज़ लगाई थी, चाची अंदर खेत में भैंस के लिए घास ले रही थी। और यहाँ चाची के घर में ना 2 डॉगी के बच्चे भी हैं छोटे छोटे, थे बोल रही थी चाची के चाचा जी लेके आए थे बाहर से, बोल रहे थे कि अच्छे लग रहे हैं, है नॉर्मल डॉगी लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था। चाची कह रही है हमारे मुंह पे ना ऑन करो, हम ऐसे चले हैं, सानिया नहीं कर रहे थे वैसे चले हैं, चुटिया ना फट्टी भगबूढ़े का बोलते हैं चाची, भगबूढ़े। तो हम चाची के घर से अभी लौट के आ रहे हैं, चाची की ना थोड़े से तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी देर में वहाँ पर बैठी, चाय आई पी, देखो चाची बेस छोड़ रही है, काफ़ी देर बैठी चाय आई पी के बाद अब मैं आ गई, मैंने कि किसी दिन मैं आऊँगी, अभी क्या है कि शाम का टाइम हो रहा था, वो सानी आनी करना होती है ना, मैंने कि किसी दिन मैं आऊँगी, है ना, दिन में आते हैं किसी दिन, सुबह टाइम थोड़ा देर बैठे हैं खेत में घूमें, उनके खेत में है वो घर, चाची का वहीं खेत है, और खेत के ही ऊपर घर है ना, खेत में ही घर है, ऊपर क्या, खेत में ही घर है, मतलब कि उनका खेत है, उसी में एक साइड घर बना हुआ है, वहीं वो रहती है। तो और मैं वहां से जैसे ही अपने घर में आई ना, तो मम्मी मुझे सबसे पहले चूल्हे पे ही मिल गई, और मैंने मम्मी से पूछा क्या बना रहे हो, सब्जी तो बन चुकी थी ना, तो बोल रहे हैं कि ये मठा आलू की सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि उनको आलू मटर की सब्जी में टेस्ट नहीं आया था, कह रही थी मुंह का टेस्ट ख़राब है, इसलिए ये बना रहे हैं, थोड़ी सी खट्टी सब्जी अच्छा लगेगा। और मैं इसी के साथ कर रही हूँ अपना वीडियो, एंड मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।